बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हाउदी हज़रात बॉयज़ एंड गर्ल्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक से होंगे। आपका भाई की लफ्ज़ लेके आए एकदम एक नई चौकस वीडियो। और अभी हम मौजूद हैं इस्लामाबाद में F7 में, और यहाँ पे हम मज़ेदारी के साथ बर्गर ट्राई करेंगे। यहाँ पे जो है एक भाई साहब है, सुना है उनका बर्गर काफ़ी मशहूर है, ट्राई करेंगे फिर देखते हैं। वो तेनू की हो गया, फिर देखेंगे भाई क्या सीन है। इधर आके भाई की ठंड खत्म हो गई। ये क्या चीज़ है भाई? चिकन है। अच्छा, ये बीफ है। अच्छा, ये बीफ है। हमने भी बीफ का ही ऑर्डर दिया है। बड़ा हैवी सीन लगाएगा ये भाई। ये कितनी देर में तैयार हो जाता है ये बर्गर? 5-6 मिनट में। ये पहले मैं कबाब वगैरह बना के रखे होते हैं पहले? अच्छा, इसमें ऐसे क्या क्या चीज़ डालते हैं बीफ वाले में? बीफ वाले में क्या क्या चीज़ें डालते हैं बीफ वाले जो स्पेशल है? ये चीज़ पूछ रहा हूँ। ये आ गया बीफ का एक पीस और साथ में बंद गोभी वगैरह। क्या बात, ये चिकन मायनीज, ढेर सारी बंद गोभी और चिकन आ गया। भाई आपका नाम क्या है? हुसैन भाई बना रहे हैं बीफ और चिकन के, जाना वो VIP कैचअप से भरपूर बर्गर है, बर्गर पीस के स्पेशल बर्गर। ये आ गया जी प्रॉपर शेप। चार क्या बात है, बेहतरीन। ये हो रही है सफाई इसकी, अब एक राउंड लगाने के बाद सफाई। अच्छा, ये 3 पीस लगा रहे हैं? अच्छा 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 अच्छा, चार बैठी। क्या बात है यार, इतना वड्डा मुंह जाना कितना होना है? यार इतना मुंह छोटा या वो खाओगे? अच्छा, ये चिकन में लगे मसाले सारे लगाए गए। ये लग रहा है ऑयल, क्या बात है यार, ऑयल लगा के फिर उसके बाद चिकन। और ये हो गई, ये एलोपिनो के लिए चिकन सेम ही है बस। नाम और बनाने का स्टाइल भी और सॉसेज में मेन रेसिपी में फ़र्क है ना। आ गया, वाह भाई वाह, इसके बनाए रिव्यू, इसी के बनाएंगे भाई। ये ओए ओए शक्लो सूरत तो चंगी है तेरी। नहीं यार, चिप अच्छी है ना, मैं कैचअप लगा भाई, उधर जगह कोई नहीं थी तो फिर ऐसे ही चलते फिरते मैंने खा के देखा यार। इस बर्गर इसमें उन्होंने जो है ना वो ये 3 जो है ना वो बीफ के पीसेस डाल दिए कबाब से, साथ में उन्होंने जो है ना वो सैलड शैलड ऐसा डाला है। बाकी इनकी अपनी रेसिपी है, देखते हैं क्या हिसाब किताब है। इसको रखें बीच में और ये ओए ओए यार, ये तो सारा भरा हुआ है। चलो इसको खा के देखते हैं। यार बीफ का ना प्रॉपर टेस्ट आ रहा है, अलग से जिस तरह फील होता है ना बीफ का कबाब।
एक चीज फ्लेवर का मजा आ रहा है, समझ नहीं आ रही उसको कौन सी चीज है, वो है एक्स्ट्रा चीज, बाकी इसमें चीज चीज भी डाला हुआ है, मजेदार चीज है, टेस्ट प्रॉपर है इसका, बाइट साइड बना के मजा आ रहा है, लेकिन में कोई एक फ्लेवर है ऐसा है जो सीक्रेट है, जिसकी वजह से ना एक अलग डिफरेंस फीलिंग आती है, प्रॉपर मजेदार। तो भाई से मैंने पूछा, मैंने कहा इसमें डालते क्या, कहते मैं रेसिपी नहीं बताती, मैंने कहा पूछा रेसिपी तो नहीं पूछ रहा भाई, मैं सिर्फ पूछ रहा डालते क्या, लाजमी बता दे इसमें कुछ है, इस वजह से ना भाई भी एक दफा गुस्से हो भी डालते बन गया क्या। तो यार हमने बर्गर फीस करना, मज़ेदार सा बर्गर खाया, मज़ा आया सही, प्रॉपर जाना उसका टेस्ट शेस्ट था, मज़ेदार था। अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं, देखते हैं हमें और क्या खाने को मिलता है F7 में, ठीक है। अच्छा इसकी लोकेशन जो है ना ये मिनीसो है F7 में, तो वहाँ उसके बिल्कुल सामने है, वैसे बर्गर फीस भी लिखोगे तब भी आ जाएगा। गोल चक्कर है, गोल चक्कर खाते में खाएंगे क्या भाई, भाई यहाँ पे तो देखना ये तिक्के छक्के भी आए। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? ये सूप है, ये पहले से बना के पतीले में रखे हुए आपने? कैसे रखते हैं जी? बना के रखते हैं बड़े। सही, ओ भाई ये, ओ भाईजान ये कौन सा पराठा है? पराठे तो गोल होते हैं, ये कौन सा है? ये मलाई पराठी। निशानी के लिए इस तरह बनाते हैं, निशानी के लिए बनाते हैं इस तरह, डिफरेंट जो है ना वो है सिलसिला। अच्छा पराठा मुमन गोल है, मलाई पराठा जो है क्या कहते हैं उसको, बैजवी शक्ल लंडा। भाई जोर से लगा रहे हैं, भाई आपका नाम क्या है? अबे बोल दे भाई, शिवला भाई। देख मलाई मलाई, ये भी मलाई पराठा ही जी। एक फोल्ड, फिर ये चमका देना, बस इतना सा काम है। तो मैंने कहा बीच में मलाई डाल रहे मैंने कहा बीच में मलाई डाल रहे हाँ भजन आप क्या बना रहे हैं? भैया हम टाको बना रहे हैं, टाको की ब्रेड बना रहे हैं। अच्छा टाको की ब्रेड बना रहे हैं जी जी, छोटी है जी। उसमें और क्या क्या डलता है? इसमें चिकन डलता है। अच्छा चीज डलता है, चिकन चीज और रेड सॉस डलता है, फिर सालसा डलता है इसका, सालसा डांस, सालसा डांस, सलाद सलाद सालसा। अच्छा सलाद, फिर उसके बाद जलेबी का सॉस होती है। अच्छा जलेबी का सॉस, फिर ऊपर आइसबर्ग लेटस होती है, फिर इसकी पैकिंग होती है। बस लगाओ ना यार, फिर देखें तो सही इसका क्या है, जमा तफरी क्या है यार। ओ भाई उतनी देर भाई ने मलाई मलाई पराठा को मलाई बना दिया, फास्ट तो फास्ट सम फास्ट लगा हुआ है, क्या बात है। साथ में और आपके पास चाय है? चाय है, मटका चाय, स्पेशल चाय, मेरी एक कॉफी है, मटका चाय भी है जी, मटका चाय। सही है, ये भी हल्की हल्की आंच में बना रहे हैं आप, तेज आंच पे नहीं बनता, हल्की आंच है। ये भाई ने ये मलाई भी बना दिया। ओ भाई ऐसे ऐसे पराठे तो घर में हम ऐसे फरमाइश होती है, ऐसा जो है ना वो सुर्ख सुर्ख पराठा बना दो, आप तो बगैर फरमाइश के बना के दिए जा रहे हैं। ये बनने के बाद मलाई डाल दें जी? बनने के बाद उसके बाद मलाई डाल दें। अच्छा जब बना लिया उसके बाद मलाई डाल देनी है, फिर उसको पकाना है? नहीं बस पक गया, बस पक गया। वाह यार, ये रे उतनी देर भाई ने पूरा पैकेट ही डाल दिया है, तूने पूरा पैकेट डाल दिया यार।
ठीक है। चीनी नमक चीनी। अबे इतनी मोटी चीनी तो जो है ना वो फैक्ट्री से नहीं निकलती, देखो कितनी मोटी मोटी चीनी डाल दी। बस तैयार हो गया, क्या बात है यार। ये टाको प्लस मटका चाय भी आ गया, टाको शाको है, इसको देखते हैं क्या साफ साफ है। सैलड शैलड चिकन चिकन समझे लवाद इसके अपने, लेकिन सच्ची बताऊँ ना वो जितने निके होंगे अमिया भी नहीं होते, शक्कर का रोल खा के ऐसे पा के शक्कर चिकन मिलता है, वो साफ है ना रखता है टाको। देखते हैं टाको का शाको उसमें कैसे मजेदार यार। रोटी कटे सपना, लेकिन उसके साथ जो गेम असल चीज़ उठा रही है, चिकन चिकन नहीं उठा रही, असल चीज़ गेम बंद गोभी उठा रही है। बंद गोभी और सैलड है ना, प्याज टमाटर, गेम सारी चीज़ है, बाकी चीज़ें अपनी जगह पर, लेकिन गेम सारी अगर इसमें से बंद गोभी निकाल देना तो मैं कहता हूँ इसका टेस्ट खत्म हो जाए। मज़ेदार है, दो दिन वाले खा गए तो बंद हो गया, एडियो एडियो गोभियाँ बना दें। इस तरह मैंने चिकन रखा है, इस तरह का सैलड, इसका टेस्ट और है, इसका टेस्ट और। असल में हर चीज़ जो है ना वो अलग अलग है ना, मैं मैश करके मिक्स नहीं ना की, जिस वजह से सारी चीज़ें अलग अलग जगह दे रही हैं। टाको माको के बाद भाई बेहतरीन किस्म की जो है ना वो मटका चाय, उसमें ऊपर उन्होंने भाई ने बादाम शदाम जाना पिस्ते शिस्ते बड़े मज़े से डाल के दिए, मिट्टी के बर्तन में गर्म करके दिए, मिट्टी के बर्तन का अपना जायका है, चाय उसी तरह जो है ना वो गैस पर पकी हुई है, लेकिन मिट्टी के बर्तन में कोई जायका आने वाला है देख के सबसे पहले बादाम आया, बादाम ने जो है ना वो सारा चाय का टेस्ट एक तरफ कर दिया। दूसरा मज़ेदार है, असल में पता क्या इसमें स्मोक फ्लेवर पड़ जाता है मिट्टी का, मिट्टी का एक अपना टेस्ट होता है, चाय उसी तरह पकी हो नॉर्मल गैस पर पकी हो उसमें कोई फ़र्क नहीं है, सोया उसमें जो है ना वो खुले दूध की चाय है उसका अपना जायका, लेकिन क्योंकि इसको मटके को पहले गर्म किया है उन्होंने अच्छी तरह गर्म किया, जब इसमें चाय डाली है ना तो इसके अंदर क्या हुआ है कि इसमें टेस्ट आ गया डेवलप हो गया हीट का जो रच बस गया है मिट्टी, जिस वजह से ना मज़ेदार जो है टेस्ट होता है। नानियाँ दादियों की रेसिपी जी है ना वो नंबर लै गई, मज़ेदार बनया टाको माको। भाई ये तवा चिकन है, सही है जजमेंट सही है ना यार मेरी। ए, बड़ी महंगी शह है, ख़राब ना हो जाए। भैया स्माइल तो कर दें, तो यार हमने जो है ना वो आज एक छोटा सा विजिट किया इस्लामाबाद में F7 मरकज के अंदर, जहाँ पे हमने कुछ चीज़ें ट्राई की थी, बड़ा मज़ा आया, स्पेशली जो है ना वो टाको बहुत मज़ेदार थी, टाको खाने का मज़ा आया। ठीक है, तो आप लोग अगर यहाँ पे आपका चक्कर लगे तो आपने जो है ना उसको ज़रूर खाना पीना इंजॉय करना, तब तक के जो है ना नेक्स्ट वीडियो तक के लिए भाई को इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़। लेकिन जाते जाते मेरी इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, दुआ में भाई को याद रखना, अल्लाह हाफ़िज़।